भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मेधावल क्षेत्र से विधायक राकेश सिंह बघेल के बीच जो मारपीट हुई है, उसके बाद राकेश सिंह बघेल कलेक्ट्रेट परिसर पर न्याय के लिए धरना दिए हुए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से राकेश सिंह बघेल यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर उनका साथ देने के लिए मौजूद हैं। रात के तकरीबन 12:24 समय हो रहा है और इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर पर राकेश सिंह बघेल और उनके साथ उनके समर्थक यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सीधे तौर पर राकेश सिंह बघेल। यहाँ पे कार्यकर्ताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, किसके निर्देश पे किया गया है, क्यों किया गया है, कार्यकर्ता बिल्कुल जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कर रहे थे, अपने सांसद से संवाद करना चाह रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा भी कि अभी हम संवाद करा रहे हैं, मैं उनसे बात करके आता हूँ, वो आए नहीं, उल्टा लाठीचार्ज हो रहा है। राकेश जी, जहाँ तक जिलाधिकारी का कहना है कि जो आपके समर्थक थे उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया था और वो सांसद को बाहर निकालने की मांग कर रहे थे, इसके बाद इस तरह की घटना हुई है। इस पर देखिए, सांसद को बाहर निकालने की बात ये कह रहे थे कि उनसे पूछना चाह रहे थे, संवाद करना चाह रहे थे कि आपने ये कृत्य किया है तो क्यों किया है, क्या कारण है, जानना चाह रहे थे उनसे। लेकिन उग्र तो नहीं थे, उग्र तो उनके लोग थे। जो देखिए, अभी परिसर में दो गाड़ियां खड़ी हैं, जो बाहर से भाड़े के गुंडे कुछ आए हुए थे, उन लोगों ने दो गाड़ियों को तोड़ा, जिलाधिकारी के वहां अंदर जो मुझे सूचना है शीशे को तोड़ा। तो मैंने जिलाधिकारी से कहा है कि आपके पास यहाँ पे सीसी फुटेज लगा हुआ है, ये देख लीजिए कौन लोगों ने कृत्य किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि राकेश सिंह बघेल का ये धरना भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज के विरोध में है या सांसद के विरोध में? नहीं, सांसद के विरोध में मेरा कोई धरना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पे पीटे गए हैं, जिन लोगों ने मारा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कब तक ये धरना चलेगा? अभी तो कोई आश्वासन कहीं से कुछ मिला है आपको? नहीं, अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला है, न मेरी किसी से कोई बात हुई है। धरना चलेगा और खूब चलेगा, जब तक ये कार्यकर्ताओं को सम्मान की रक्षा नहीं होगी, इनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक चलेगा। तो आपने साफ तौर पर राकेश सिंह बघेल का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि उनका ये प्रदर्शन जो है वो सांसद के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस बात के खिलाफ है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किस वजह से किया गया, इसके पीछे आखिर किसकी साजिश है। अब देखना यह होगा कि इस विवाद के बाद आने वाला सवेरा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक समीकरण में क्या कुछ भूचाल लाता है। ईटीवी भारत के संत कबीर नगर से गौरव तिवारी की रिपोर्ट।